देखिए ये बहुत बड़ी जीत है छात्रों की, और हम धन्यवाद तो देंगे ही नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को कि छात्रों की बात उन्होंने मांग ली, इसलिए हम धन्यवाद देते, यही होना चाहिए लोकतंत्र में। और कल जो छात्रों का हुजूम पटना की सड़कों पे उमड़ पड़ा, किसी को ऐसा नहीं लगा था कि इतनी भीड़ आ पाएगी। अध्यक्ष महोदय ने हमको चैलेंज किया था कि आपके पास भीड़ नहीं है, 50-60 लोग के साथ आए जब 26 को गए थे, तो हमने कहा था इंतजार कीजिए, 31 अगस्त को आपको छात्रों की संख्या नजर आएगी। कल हम लोग को अरेस्ट किया गया, 10 लड़की 11 लड़का, मुझे भी अरेस्ट किया गया, मुझे बुरी तरह से मारा पीटा गया, दिखा सकते हैं, अलग अलग थाने में रखा गया था 10 लोगों को, 11 लोगों को शास्त्री नगर थाना, देखिए मेरा मोबाइल फोड़ दिया गया ताकि हम छात्रों से दूर हो जाए। इतना अन्याय किस लिए भाई, छात्रों से इतना डर किस लिए? आरसीपी सिंह अभी नीतीश कुमार जी का बही खाता लेके भाग गए हैं, भाग गए हैं, इससे पहले वसूली करते थे, सब जानते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं, हम तो कई बार बोल रहे हैं, और पेपर लीक में भी जांच होना चाहिए आरसीपी सिंह की भूमिका की। 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेके कल छात्रों ने राजधानी पटना में प्रदर्शन किया था, और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि एक पाली में ही एग्जाम हो। दिलीप है हमारे साथ। दिलीप, जिस तरीके से कल छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, आप पे भी लाठियां चार्ज की गई, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया कि एक पाली में एग्जाम हो, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये बहुत बड़ी जीत है छात्रों की, और हम धन्यवाद तो देंगे ही नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को कि छात्रों की बात उन्होंने मांग ली, इसलिए हम धन्यवाद देते, यही होना चाहिए लोकतंत्र में, अगर सही मांग है तो उस चीज़ को मानना चाहिए सरकार को। और कल जो छात्रों का हुजूम पटना की सड़कों पे उमड़ पड़ा, किसी को ऐसा नहीं लगा था कि इतनी भीड़ आ पाएगी। अध्यक्ष महोदय ने हमको चैलेंज किया था कि आपके पास भीड़ नहीं है, 50-60 लोग के साथ आए जब 26 को गए थे, तो हमने कहा था इंतजार कीजिए, 31 अगस्त को आपको छात्रों की संख्या नजर आएगी। और पटना की सड़कों पर कल हुजूम उमड़ पड़ा और उसकी गूंज दिल्ली तक गई, मुखर्जी नगर में भी आंदोलन हुआ, विकास दीपकीर्ति सर भी उतर गए हमारे समर्थन में, उनको भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और कल हम लोग को अरेस्ट किया गया, 10 लड़की 11 लड़का, मुझे भी अरेस्ट किया गया, मुझे बुरी तरह से मारा पीटा गया, दिखा सकते हैं, अलग अलग थाने में रखा गया था 10 लोगों को, 11 लोगों को शास्त्री नगर थाना, देखिए मेरा मोबाइल फोड़ दिया गया ताकि हम छात्रों से दूर हो जाए। इतना अन्याय किस लिए भाई, छात्रों से इतना डर किस लिए? इतना लाठीचार्ज हुआ, क्या किसी भी छात्र ने एक कागज़ का टुकड़ा किसी पे फेंका? अगर कोई भी मीडिया बंधु या कोई भी बता दे हमें एक कागज़ का, हम लोग मार सहते रहे, मार खाते रहे, लेकिन किसी पे कागज़ का टुकड़ा नहीं फेंके। आज हमारी जीत हुई है, लाखों छात्रों की जीत हुई है, एक दो नहीं, 6 लाख तो अभ्यर्थी है, 6 लाख का परिवार है, बाकी दरोगा अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, सबकी जीत हुई है, छात्रों की जीत हुई है। समस्त छात्रों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हम कि आपने हमारा साथ दिया, और जो विश्वास आपने हम पे किया है उस विश्वास को कभी तोड़ने नहीं देंगे, डगमगाने नहीं देंगे। पद और पैसा का हमें कोई लालच नहीं, आपके हित के लिए दिलीप कुमार हमेशा लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिरकार बार बार क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पहले भी बीपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक हो गए, कैंसिल किया गया, अब आप लोगों की मांग थी एक बार, हालांकि सरकार ने, लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि एग्जाम में धांधली बार बार क्यों हो रही है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या? देखिए कारण यही है कि बिहार में शिक्षा माफियाओं का एक गढ़ बन गया है। आरसीपी टैक्स की वसूली होती थी, आरसीपी सिंह अभी नीतीश कुमार जी का बही खाता लेके भाग गए हैं, भाग गए हैं, इससे पहले वसूली करते थे, सब जानते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं, हम तो कई बार बोल रहे हैं, और पेपर लीक में भी जांच होना चाहिए आरसीपी सिंह की भूमिका की। और अभी जदयू के लोगों ने ही आरोप लगाया है आरसीपी सिंह पे, तो अभी जो आरसीपी टैक्स वसूला जाए, पूरे अधिकारी जितना भी भर्ती आयोग का चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, सब आरसीपी सिंह का आदमी पहले का बैठा हुआ है। सुनीत कुमार बीपीएससी चेयरमैन, दरोगा बहाली का अमरेंद्र कुमार बीपीएससी का परीक्षा नियंत्रक, सब आरसीपी सिंह का आदमी है, और ये लोग धांधली सेटिंग करते हैं। जब तक इस गैंग आ जाएगा ना, तब तक धांधली सेटिंग होती रही। अभी भी हम मांग कर रहे हैं नीतीश बाबू से कि नीतीश बाबू जी, आप परीक्षार्थियों की, छात्रों की बात मानकर बीपीएससी को गंगा की तरह पवित्र कर दीजिए, क्योंकि इससे जो अधिकारी नियुक्त होंगे, सेलेक्ट होंगे, वो ही जाके आपके योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। आपका सुशासन तब लागू होगा सही से जब ये अधिकारी सही से चुन के जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक जो अमरेंद्र कुमार है, इसको हटाइए, और बीपीएससी ऑफिस के अंदर कई लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो इस पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में संलिप्त है। 63वीं बीपीएससी में 9 लोगों का मेरे पास लिस्ट है, नाम एड्रेस सब कुछ है, जो सेटिंग से गया है। नीतीश कुमार जी कार्रवाई करें उन पर। नई सरकार की गठन हुई है, क्या लगता है ये जो सरकार है वो सुन रही है आप लोगों, क्योंकि छात्र लगातार प्रदर्शन करते, लेकिन कल एक बड़ा फैसला, आज एक बड़ा फैसला ले लिया गया कल आप लोगों के प्रदर्शन को देखकर? देखिए कल के आंदोलन के बाद सरकार ने एक्शन लिया, तो अभी तो हम यही कहेंगे कि हमारी मांग को मान लिया सरकार ने, तो हम विरोध क्यों करें? बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे उस समय, तो हम थाना में बंद थे, हमारे साथी लोग गए थे, और हम धन्यवाद देते हैं कि लोकतंत्र में ये होना चाहिए, अगर सही चीज़ के लिए आंदोलन हो रहा है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, मांग को मान लेना चाहिए। दिलीप थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि सरकार को हम
धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा फैसला लिया कि 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है वो एक पाली में हो, इसको लिए इन्होंने धन्यवाद दिया। वहीं ये भी कहा कि बीपीएससी में कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस धांधली में संलिप्त है, उन पर भी कार्रवाई करे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा, अभी के लिए नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।